तो दोस्तों आप इस प्रकार से IQ और IQ7 Legend, IQ7 Z3 सभी स्मार्टफोन में आप बोटवेयर एप्लीकेशन जो कि प्री इंस्टॉल आता है कंपनी की तरफ से, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQ7 स्मार्टफोन में जो बोटवेयर एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और कौन कौन सा एप्लीकेशन रिमूव हो सकता है और कौन कौन सा एप्लीकेशन रिमूव नहीं होता, सारा कुछ आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हे गाइस, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक IQ7 स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेरा IQ7 स्मार्टफोन। मैंने जो वेरिएंट लिया है वो है 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट मैंने इसको परचेस किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत सारा बोटवेयर एप्लीकेशन को क्लीन कर दिया है। तो मैंने इसमें IQ में बहुत सारा बोटवेयर एप्लीकेशन को क्लीन कर दिया है जिसका नाम ये है। आप देख सकते हैं स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, शेयर चैट, पॉडकास्ट, मौज, MF, टकाटक, डेली हंट, गूगल वन, गूगल प्ले मूवी, न्यूज़, इतना सारा एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल आता है IQ के तरफ से उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसका डेमो भी दे देता हूँ। ये है मेरा IQ7 और ये है IQ Z3। तो मैं आपको इसमें आपको उसको अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। दोनों में ही आपको सेम क्वान्टिटी में आपको बोटवेयर मिल जाता है, इसमें भी आपको सेम मिलता है और इसमें भी आपको सेम मिलता है। तो बोटवेयर दोनों ही मोबाइल में आपको सिमिलर देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्नैपचैट है तो मैं स्नैपचैट को सबसे पहले डिलीट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको हम कर देते हैं अनइंस्टॉल। देखिए ये अनइंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम करते हैं स्पॉटिफाई को। तो आप देख सकते हैं ये है स्पॉटिफाई, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं अनइंस्टॉल का ऑप्शन इसमें भी आ जाता है। ठीक है, अब हम तीसरा करते हैं शेयर चैट। तो शेयर चैट ये देखिए, ये है शेयर चैट, इसको भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको लाइव डेमो स्कैन करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके कि आप इसमें कितना सारा बोटवेयर एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा इसमें जो बोटवेयर मिलता है एप्लीकेशन, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम करते हैं पॉडकास्ट को। तो पॉडकास्ट ये देखिए, पॉडकास्ट है, इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया। देखिए ये भी अनइंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम मौज और टकाटक को करते हैं। तो देखिए ये है मौज, और अनइंस्टॉल कर दिया मैं मौज को। अब हम करते हैं टकाटक, कहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है टकाटक, ये देखिए टकाटक। तो मैं टकाटक को भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो देखिए टकाटक भी अनइंस्टॉल हो चुका है। अब डेली हंट को करते हैं। तो सबसे ऊपर में आपको डेली हंट मिल जाता है, तो मैं इसको भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए डेली हंट हो गया। उसके बाद है गूगल वन, तो चलिए देखते हैं गूगल वन कहाँ पे है। ये देखिए गूगल वन, तो गूगल वन भी अनइंस्टॉल हो गया। उसके बाद गूगल प्ले मूवी और न्यूज़, तो गूगल प्ले म्यूज़िक कहाँ पे है, ये देखिए प्ले म्यूज़िक, तो ये भी अनइंस्टॉल हो गया। और जो गूगल न्यूज़ है, कहाँ गया गूगल न्यूज़, ये देखिए न्यूज़, तो ये भी सॉरी ये गूगल न्यूज़ है कि न्यूज़ है एक बार, हाँ न्यूज़ लिखा हुआ है, तो इसको भी हम अनइंस्टॉल कर दिए। तो आप देख सकते हैं 10 एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल आपको आता है बोटवेयर के नाम से वो रिमूव हो जाता है। इसमें जो एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स को आप रिमूव तो नहीं कर सकते लेकिन आप उसको डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन आता है वी ऐप स्टोर से। आप देख सकते हैं ये है वी ऐप स्टोर। तो आपको क्या करना है, आपको ऐप इन्फो में जाना है और इसको आप डिसेबल भी नहीं कर सकते, मतलब वी ऐप स्टोर को आप डिसेबल भी नहीं कर सकते ना रिमूव कर सकते हैं। बट आप क्या कर सकते हैं, इसका आप नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर सकते हैं। मैंने ऑफ़ रखा हुआ है, ये ऑन है, मैंने ऑलरेडी ऑफ़ करके रखा हुआ है इसको। तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन ऑफ़ करके रखेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप IQ स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें जो बोटवेयर है वो एप्लीकेशन आपको दिखाई तो देता है कंपनी की तरफ से, लेकिन आपको
अनइंस्टॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है मोर देन 90% ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ कुछ एप्लीकेशन को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं और कुछ को आप डिसेबल कर सकते हैं और कुछ को आप डिसेबल भी नहीं कर सकते, जिसमें से वी ऐप स्टोर है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा आप बोटवेयर एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं स्टॉक मोबाइल से। थोड़ा सा आपको बोटवेयर तो मिलता है, लेकिन अदरवाइज पूरा स्टॉक मोबाइल का आपको एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। पूरा क्लीन आपको अच्छा इंटरफेस देखने को मिलेगा इस IQ स्मार्टफोन में। तो दोस्तों ये रहा IQ और IQ7 और IQ7 लेजेंड, सभी में आपको इसी प्रकार का बोटवेयर मिलता है और आप सभी को जो इसमें आपको मैंने डिलीट करके बताया, अनइंस्टॉल करके बताया, वो सभी में अनइंस्टॉल हो जाता है और जो इसमें अनइंस्टॉल नहीं होता वो इसमें भी नहीं होता है। IQ7 में आपको मैं दिखा देता हूँ, नेटफ्लिक्स इसमें भी नहीं हुआ है, ये देखिए नेटफ्लिक्स इसमें भी नहीं हुआ है। तो जो इसमें आपको रिमूव हो रहा है वो सभी IQ डिवाइस में आपको रिमूव मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से IQ और IQ7, IQ7 लेजेंड, IQ7 Z3 सभी स्मार्टफोन में आप बोटवेयर एप्लीकेशन जो कि प्री इंस्टॉल आता है कंपनी की तरफ से, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, बताइएगा जरूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।